हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज बहुत ही आसान तरीके से फ्लावर बनाया जाए। तो चलिए अब चेन स्टिच से पहले इसका डाली बना लिया जाए। तो तीन धागा डाल के ये बन रहा है। अब देखिए डाली कंप्लीट हो गई है और इसी तरह सब जगह सब डाली को बना लिए हैं। देखिए अब ये डोली वाला धागा है, ये डील वाला धागा है, अब उसी से मैं बना रही हूँ। और छोटी पत्तियों को इस तरह से भर देने से बहुत आसानी रहता है, आसानी से भर जाती है और सुंदर भी लगता है। देखिए एक बार सुई इधर निकालना है, एक बार सुई उधर निकालना है और पत्ती इसी से बन रही है, बहुत खूबसूरत लगता है ये छोटी छोटी पत्तियों के लिए। देखिए इसी तरह से भर रहे हैं, DMC का धागा है ये, बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके से अब सारी पत्तियों को बना लिया जाएगा। अब देखिए एक स्केच पेन ले लिए हैं और उसमें जो है 12 बार हम लपेटें, जितना मोटा पतला बनाना होगा आप अपने अनुसार उसको लपेटेंगी। तो ये लपेट लिए हैं और ये DMC का धागा है, इससे उलझता नहीं, बहुत आराम से ये टिक्की बन जाएगी और ये फ्लावर में हम लगा देंगे इसको, तो बड़ा सुंदर भी होता है, बहुत झटपट जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए आज इस तरीके से फ्लावर बना रहे हैं और इसमें इसमें देखिए कैसे धागा डाल रहे हैं, ऐसे डाल के निकाल लेंगे। देखिए ऐसे थोड़ा सा टाइट ही रखा जाएगा, बहुत लूज नहीं रखा जाएगा, जिससे फ्रेम बढ़िया हो जाए। अब इसको धीरे धीरे इसी तरह से बना के अब देखिए निकाल रहे हैं और पेंसिल से निकाल के बाहर कर लिए हैं, कितना सुंदर बन गया है। अब उंगली की सहायता से लपेट के धागे को इस तरह से बनाते, काज स्टिच की तरह से बनाते चले जाएंगे और जितना आपको बनाना हो, एक लाइन दो लाइन जितना बड़ा फ्लावर तैयार करना हो इसी तरह से बनाती चली जाएंगी। ये बेल देखिए बनकर तैयार हो गया है, इसको आप कहीं भी बना सकती हैं, कुर्ते में बना सकती हैं, कहीं भी आप बनाए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसान तरीके से बना है, बहुत झटपट बन जाता है। तो मेरा ये अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।